Assalamu alaikum, good evening student. Today we are going to discuss our next lecture and it is about limb deficiencies. But before speaking on this topic, I would like you to introduce about I would introduce the subject for which we are going to discuss the topic. The subject name is Management for Physically Challenged Children, PCC, and course code is SPED 3132. Before starting the lecture, I would like to introduce myself. I'm Kashif Iqbal and working as a lecturer in Special Education Department. In last discussion or in last topics, if I recall the discussion that we made in our previous lectures, it was about orthopedic and muscular skeletal disorders, in which we discussed the causes for these disorders. We also discussed the characteristics of these disorders. And after that, we discussed the physical, functional defects, abnormalities for such disorders. And then we also discussed hip disorders definitions, and along with various types of hip disorders, we also discussed the structure of hip as well. So this was the fruitful discussion that we people made in our previous lectures. Now we are going ahead with the agenda for next lecture. And the agenda is definitely, you know very well that after the completion of this topic, you will be able to describe limb deficiencies. आप यकीनन ये बता रहे होंगे कि limb deficiency है क्या. Explain the types of limb deficiencies. Limb deficiencies की कौन कौन सी types हैं, इस पर आप easily बात कर सकेंगे. तीसरे नंबर पे elaborate treatment and services for limb deficiencies. Limb deficiencies के हवाले से जो treatment है या जो services provide की जा रही हैं, आप उसको बआसानी बताने के काबिल हो जाएंगे. Number 4, recognizing the professionals who support in the condition of limb deficiencies. Limb deficiencies की condition में कौन कौन से professionals होते हैं जो कि help out कर सकते हैं, हम उनको भी discuss कर सकेंगे और यकीनन ये आप भी बताने के या कहीं पे आप elaborate करने के काबिल हो जाएंगे. और जो सबसे last हमारा agenda होगा आज का, वो हमारा एक छोटा सा topic है जो मैंने इसी के साथ attach किया हुआ इसी lecture के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है. तो ये ज़रा हम देखेंगे आज के इस डिस्कशन में. और जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है और 2.2 है और इसका नाम है लिम्ब डेफिशिएंसीज. अगर इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए तो लिम्ब डेफिशिएंसीज को हमेशा दो कैटेगरीज में ब्रेकअप किया जाता है. नंबर 1, कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी. देखें, कॉन्जेनिटल का वर्ड आ गया है तो ये हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं है. दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन बाय बर्थ, ऐसी कंडीशन जो पैदाइश के टाइम ही होती है. हमने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल फेजेस क्या होते हैं. तो यहाँ पे जो पेरीनेटल फेज़ है ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्जेनिटल को, या प्रीनेटल जो फेज़ है ये भी कॉन्जेनिटल में किसी हद तक शामिल हो सकता है कि बिफोर और आफ्टर या बिटवीन द टाइम ऑफ द बर्थ रेफर्स टू द कॉन्जेनिटल. सो कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसीज
ये क्या है? दिस रेफर्स टू द लिम डिस्क्रेपेंसीज दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ. ये लिम्ब के उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है. द डिस्क्रेपेंसीज इज डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड. हर बच्चे के लिए जो डिस्क्रेपेंसी है वो डिफरेंट होती है. प्रॉब्लम जो होता है वो डिफरेंट होता है. ये नहीं कि एक बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है किसी ऑर्गन का तो बाकी बच्चों को भी वही होगा. एंड मे मैनिफेस्ट एज वन लिम्ब बीइंग शॉर्टर देन अदर. ये भी हो सकता है कि कोई एक लिम्ब डैमेज हो, कोई एक लिम्ब छोटा हो बाकी लिम्ब की नस्बत, या एक लिम्ब हो ही ना, या अनडेवलप हो, उसकी ग्रोथ ही ना हुई हो. समटाइम बाज़ोकात द डिस्क्रेपेंसी इज द इंडिकेटर ऑफ एनी अदर पोटेंशियल बर्थ डिफेक्ट. बाज़ का ये जो लिम्ब डेफिशिएंसी होती है किसी दूसरे भी बर्थ प्रॉब्लम के साथ इसको अटैच किया जा सकता है, एसोसिएट किया जा सकता है. ये तो हो गया कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी. अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड डेफिशिएंसी के बारे में. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द नेम इम्प्लाइज. एक्वायर्ड डेफिशिएंसी वही है जो इसके नाम से जाहिर है. वैसे बाय द वे एक्वायर्ड को हम एडवेंटिशियस के नाम से भी जानते हैं, इसका जो अल्टरनेटिव वर्ल्ड है. सो एक्वायर्ड डेफिशिएंसी ऐसी डेफिशिएंसी है कि जो इंसान के साथ उम्र के किसी हिस्से में भी इसकी जो प्रेवलेंस है वो होती है. एक्वायर्ड लिम्ब डेफिशिएंसीज आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ. डेफिनेटली बर्थ के टाइम ये प्रेजेंट नहीं होती. इंस्टेड दे आर एक्वायर्ड आफ्टर मेजर इंजरी और हेल्थ क्राइसिस. यकीनन जो लिम्ब डिस्क्रेपेंसीज हैं एक्वायर्ड जो होती हैं वो उम्र के किसी हिस्से में किसी इंजरी या हेल्थ किसी इश्यूज की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से वो होती हैं. अगर इंसान की जो ग्रोथ प्लेट है वो सवेरली डैमेज हो जाए तो ये लिम्ब डिस्क्रेपेंसीज उस वक्त तक बढ़ती रहती है जब तक बच्चे की जो ग्रोथ है वो होती रहती है. ये प्रॉब्लम बच्चे के साथ एसोसिएट हो जाता है, ओरिजिनेट हो जाता है. यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूँ आपको कि जब कोई भी फिज़िकल ट्रामा होता है बच्चे के साथ तो सिवाय एम्पुटेशन के और कोई हल नज़र नहीं आता. एम्पुटेशन क्या है ये आने वाले दिनों में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ. एम्पुटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, सर्जरी ऑफ द लिम्ब है, जिसमें उस लिम्ब को काट दिया जाता है. तो इसकी भी काफ़ी टाइप्स हैं, ये आने वाले यकीनन इस पर हमारा एक लेक्चर होगा. और वो इसलिए किया जाता है एम्पिटेशन का प्रोसेस कि उससे बच्चे की जो बाकी हेल्थ है उसको महफूज रखा जा सके. अच्छा, अगर लिम्ब डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट या इसके जो मैनेजमेंट अप्रोचेस के हवाले से बात की जाए तो ये चीज़ हमारे सामने आती है कि किसी भी बच्चे की पीडियाट्रिक जो लिम्ब डेफिशिएंसी है वो हेल्थ केयर का एक हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया है. हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो टेक इनटू कंसिडरेशन बच्चे की एज, चाइल्ड एज, द सेवेरिटी ऑफ द डिस्क्रेपेंसी, जो उस प्रॉब्लम की जो सेवेरिटी लेवल है वो हमें पता होना चाहिए, और लोकेशन ऑफ एम्पिटेशन, उसकी लोकेशन का भी आइडिया होना चाहिए, और चाइल्ड की एबिलिटी, बच्चे की जो सलाहियत है कि वो इस ट्रीटमेंट प्लान में किस हद तक सपोर्टिव हो सकता है.
तो ये सारे मीन्स बच्चे को, यहाँ पे बच्चे को हर लिहाज से पता होना चाहिए कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होने जा रहा है, कैसे उसको मैनेज किया जा रहा है। अब हम उन प्रोफेशनल्स का भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि लिम्ब डेफिशिएंसीज़ में मौजूद होंगे या लिम्ब डेफिशिएंसीज़ की कंडीशन को ओवरकम करने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, या जो प्रोफेशनल्स जो एसोसिएटेड होते हैं लिम्ब डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम के साथ। इसमें नंबर वन पे तो अंडरस्टूड है कि ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है, ये तो लाजमी है। ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट सर्जन भी हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। इनके साथ जो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे उस लिम्ब डेफिशिएंसी को ओवरकम करने में, लिम्ब डेफिशिएंसी को किसी हद तक कंट्रोल करने में, उसमें फिजियोथेरापिस्ट हैं सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी फिजियोथेरापी के। दूसरे नंबर पे ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट वो प्रोफेशनल्स हैं जो किसी भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की जो डेली लिविंग स्किल होते हैं, उन डेली लिविंग स्किल्स में उस बच्चे को जो है ना ट्रेनिंग देते हैं और उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी किसी भी डेली लिविंग स्किल को परफॉर्म कर सके। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट किसी भी बच्चे की रिहैबिलिटेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फिर सोशल वर्कर हैं, यकीनन इनका ताल्लुक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होता है। सो सोशल वर्कर आर आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल्स इन सपोर्टिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट टू ओवरकम ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लिम्ब डेफिशिएंसीज। ये जो प्रोफेशनल्स हैं जिनका मैंने नाम आपके सामने लिया है, ये रैप अराउंड केयर प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बच्चे को ऐसी केयर प्रोवाइड करते हैं जो कि डिज़ाइन टू हेल्प चिल्ड्रन विद लिम्ब डेफिशिएंसीज, जो कि सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन की जाती है केयर या ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाती हैं कि जो सिर्फ चाइल्ड विद लिम्ब डेफिशिएंसी को ही सपोर्टिव होती हैं, और उसमें जो बच्चे के लिए जो टारगेट सेट किया जाता है, जो गोल सेट किया जाता है, वो ये है कि बच्चा जो है ही शुड फील कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड। एक जो बच्चा है जो लिम्ब डेफिशिएंसी का शिकार है वो कॉन्फिडेंस फेस करे, फील करे और ख़ुद को एम्पावर महसूस करे, किसी पे डिपेंडेंट महसूस ना करे। अगर लिम्ब डेफिशिएंसीज के कॉमन ट्रीटमेंट एंड सर्विसेज के हवाले से बात की जाए तो मंदरजा ज़ैल ट्रीटमेंट है, फॉलोइंग आर द ट्रीटमेंट्स एंड सर्विसेज विच आर डेफिनेटली अवेलेबल एंड यूज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ लिम्ब डेफिशिएंसीज। नंबर वन, एपिफिजियोडिस्ट, ये एक सर्जिकल इंटरवेंशन है सेफली एंड डेलिबरेटली इंटरप्ट्स द ग्रोथ ऑफ द वन लेग दैट द शॉर्टर लेग कैन कैच अप एंड इवेंचुअली रीच इक्वालिटी विद द अदर। ये जो एपिफिजियोडिस्ट एक सर्जिकल प्रोसेस है जो उस टांग पे किया जाता है जो लिम्ब डेफिशिएंसी में कंसीडर होती है, जो लिम्ब डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है, और उस टांग के अंदर मौजूद उस प्रॉब्लम को सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जाता है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। और जब ये ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है तो वो जो यकीनन जो छोटी एज में की जाती है सर्जरी, जब ग्रोथ का एक प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि ग्रोथ एक मखसूस पीरियड ऑफ टाइम तक होती है। यहाँ पे हमने ये भी एज अ प्रोफेशनल इस फ़र्क को समझना है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्वालिटेटिव नहीं होती, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, और जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव होती है। ग्रोथ आपके फिज़िकल ऑर्गन से रिलेटेड है, जो डेवलपमेंट है वो आपके मेंटल मैचुरेशन से रिलेटेड है।
तो ग्रोथ की एक मखसूस एज है, और जब ग्रोथ की उस एज में बच्चा होता है एडोलेसेंट्स तक, या चाइल्डहुड कह लें, या अर्ली चाइल्डहुड कह लें, प्ले एज कह लें, स्कूल एज कह लें, इन्फेंट कह लें, तो इसमें बच्चे की जो लेग, जो लिम्ब डेफिशिएंसी का शिकार है, उसके साथ ये सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है जिसका नाम है एपिफिजाडिस्ट। और इस तरीके से जब सर्जरी हो जाती है तो फिर वो जो जिस टांग का ऑपरेशन होता है, जिस लेग का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, वो फिर यकीनन जो दूसरी टांग है, जो ठीक टांग है, उसका जो क्वालिटी लेवल होता है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। नंबर 2, फेमोरल शॉर्टनिंग। फेमोरल का वर्ड फीमर से निकला है, FEMOR, फीमर। फीमर हमारी थाई बोन को कहा जाता है, जो हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है। ये PPSC का एक पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस प्रोसीजर में पार्ट ऑफ द फीमर इज रिसर्टेड। इसमें और सर्जिकली रिमूव्ड, कि इसमें जो फीमर का एक हिस्सा है ना, छोटा सा हिस्सा, वो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए रिमूव कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। एंड इंटरनल फिक्सेशन इज़ यूज टू स्टेबलाइज द फेमोरल सेगमेंट्स। और एक एक इंटरनल फिक्सेशन की जाती है जो फेमोरल सेगमेंट्स को स्टेबलाइज करती है। फिक्सेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे कोई स्क्रू या कुछ इस तरह की कोई ऐसी ऐसी चीज़ होल्ड के लिए लगाई जाती है कि जिससे वो इंटरनल उसको फिक्स किया जाता है। ये उस वक्त यूज़ किया जाता है कि जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ होने की गुंजाइश मौजूद हो जो कि एपिफिजिस्ट को अलाउ करे कि वो इफ़ेक्टिव हो सके। यहाँ पे एपिफिजिस्ट का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी टांग के अंदर या जिस्म के किसी हिस्से में कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसकी वजह से ग्रोथ ना हो रही हो, तो उस प्रॉब्लम को सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। तो यकीनन ये पहले वाले पॉइंट से इंटर रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट है लिम्ब लेंथनिंग एंड रिकंस्ट्रक्शनिंग। लेग लेंथनिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाई एन एक्सटर्नल फिक्सेशन। किसी भी एक्सटर्नल फिक्सेशन के जरिए लेग लेंथनिंग का जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है, और ये होता है किसी भी एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस के जरिए। कोई ऐसी डिवाइस लगाई जाती है जो यकीनन इसमें शामिल है। ये रिंग्स भी हो सकते हैं, रॉड्स भी हो सकते हैं, जैसे कहते हैं ना टांग में रॉड डला है, तो बेसिकली ये उस मकसद से एसोसिएटेड है। दैट सर्जिकली कनेक्टेड टू द बोन्स, जो कि सर्जिकली किसी बोन से कनेक्टेड होता है। यूजिंग पिन्स एंड वायर्स, यानी कि ये जो रॉड्स होते हैं या जो रिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पिन्स और वायर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे टांग को फिक्स किया जाता है, और ये टांग के बाहर से होते हैं। स्किन के ज़रिए ये अंदर डाले जाते हैं लेग में, और हड्डी में ये इनको एडजस्ट किया जाता है, मर्ज किया जाता है। इसमें जो रॉड होता है उसकी इंटरनल लेंथनिंग का ख्याल ज़रूर रखा जाता है, और ये रॉड सर्जिकली इम्प्लांटेड किया जाता है लेग में, शिन में भी हो सकता है, और ये फीमर में भी हो सकता है। ज़्यादातर इसको फीमर बोन में एडजस्ट किया जाता है, ज़्यादातर, मोस्टली। नंबर 4 पे हमारे पास फिज़िकल थेरेपी। ये फिज़िकल थेरेपी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि जिसमें
बच्चों को एक ऐसा साइन दिया जाता है, एक ऐसी मोटिवेशन, एक ऐसी एनकरेजमेंट, एक ऐसा हौसला, एक ऐसी फ़िज़िकल सपोर्ट दिए जाते हैं कि वो अपनी अबिलिटीज़ को कैसे एलिवेट कर सकते हैं और मोबिलिटी की जानिब कैसे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी के रंगों की तरफ कैसे वापस आ सकते हैं, कैसे उनकी रिहैबिलिटेशन हो सकती है। ये सारा कमाल फिजियोथेरेपी का है और उसमें वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं और जितना मुमकिन हो सकता है वो कंफर्टेबल रहते हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसा जादू है। नंबर 5 पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ लेकिन दोबारा ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की फील्ड में, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहा जाता है। ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं लिम्ब डेफिशिएंसीज का शिकार, उनके साथ बराबर काम कर रहे होते हैं। क्यों काम कर रहे होते हैं? ताकि उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। फाइन मोटर स्किल्स का मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। फाइन मोटर स्किल्स आर दो स्किल्स विच आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन की मदद से जो स्किल्स परफॉर्म की जाती हैं वो कंसीडर होती हैं फाइन मोटर स्किल्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स में रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, क्लीनिंग, ये सारे वो, या सीविंग आ गया, निटिंग आ गया, ये सारे वो काम है जो कि फाइन मोटर स्किल्स में कंसीडर किए जाते हैं। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यकीनन बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कौन से बच्चे? जो लिम्ब डेफिशिएंसीज का शिकार होते हैं। एंड फॉस्टर देयर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, और बच्चों की जो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होते हैं ना उसको तेज़ करते हैं, शार्प करते हैं। ये सारा कमाल किसका है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। नंबर 6 पे हम बात करते हैं पीडियाट्रिक ऑर्थोटिक। पीडियाट्रिक ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक सर्विसेज, जिसको हम लोग POPS POPS। नंबर 7 पे है मोशन एनालिसिस सेंटर्स। ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि क्लिनिक ही कंसीडर किए जाते हैं, इनको क्लिनिकल मोशन एनालिसिस सेंटर भी कहा जाता है। ये हेल्प करता है किसी भी तरह के कॉन्जेनिटल या एक्वायर्ड प्रॉब्लम को समझने में, या किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस को समझने में जो कि बच्चे की नॉर्मल वॉकिंग या गेट, GAIT गेट को मुतासिर करता है। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन है छोटी सी रिलेटेड टू लिम्ब डेफिशिएंसीज। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 2.3। ये हमारा टॉपिक है 2.3, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हवाले से ये इस पे हम डिस्कशन बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी है ये रिलेटेड नाम से जाहिर है, रिलेटेड टू द स्पाइन है और हमारी जो बैक बोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उससे रिलेटेड है। यकीनन आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। ये जो स्पेशलिटी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, ये न्यूरोसर्जरी में आता है। न्यूरोसर्जरी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। न्यूरोसर्जरी से मुराद सर्जरी ऑफ द नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग CNS कहते हैं, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS कहते हैं। CNS और PNS के कम्बिनेशन से ह्यूमन बॉडी मूव करती है। CNS और PNS के कम्बिनेशन से ह्यूमन बॉडी की जो सारी सेंसेस है वो काम करते हैं। CNS और PNS के कम्बिनेशन से ह्यूमन बॉडी एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट होती है। ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए कि जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS को कंट्रोल करता है।
तो CNS का जो कनेक्शन है वो ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी होता है। इसकी जो टाइप्स हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, वो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी शामिल है इसमें और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी शामिल है। इसका जो डायग्नोस्टिक मेथड है, डायग्नोस करने का जो तरीक़ाकार है, वो सिम्टम्स पे बेस करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या नज़र आ रही है, सिम्टम्स क्या हैं उस पे बेस करता है। मेडिकल इमेजिंग में भी इसको डायग्नोस किया जा सकता है। मेडिकल इमेजिंग में हमारे पास 3 से 4 चीज़ें हैं जो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इस लेक्चर में दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा। नंबर 1 पे एक्सरे है, नंबर 2 पे अल्ट्रासाउंड है, नंबर 3 पे इमेजिंग टेस्टिंग है। इमेजिंग टेस्टिंग में आगे मजीद 2 सब टाइप्स हैं, एक है MRI और दूसरा है CT स्कैन। अगर MRI की बात की जाए तो MRI कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और दूसरे नंबर पे CT स्कैन जिसको कहा जाता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, ये है। और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन भी इसमें शामिल है और फिज़िकल एग्जामिनेशन भी इसमें शामिल है, तो बोन स्कैन भी इसमें शामिल है, बोन बायोप्सी भी, मीन्स ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो कि कराए जा सकते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, स्पाइनल मोशन रिस्ट्रिक्शन ये नंबर 1 पे है, मतलब ऐसी हरकत कम से कम की जाए जिसमें बैक बोन की मूवमेंट इन्वॉल्व हो, दिस इज़ कॉल्ड स्पाइनल मोशन रिस्ट्रिक्शंस। इंट्रावीनस फ्लूइड मीन्स एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि वेंस के अंदर ड्रॉप किया जाता है और उससे जो है ना ये इसकी जो पेन की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। वेस्पोरेसिस ये भी एक ट्रीटमेंट है। तो अगर ये हमारे पास एक कुछ टू द पॉइंट हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन थी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हवाले से। अब अगर हम इसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करें, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीवेटेड फॉर्म है वो SI कैपिटल। ये बेसिकली डैमेज है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, हमारी रीढ़ की हड्डी अगर डैमेज हो जाए। और उससे होता क्या है कि इसका जो फंक्शन है ना, या तो वो परमानेंट ख़त्म हो जाए या फिर टेम्परेरी तौर पे ख़त्म हो जाए। और इसके सिम्टम्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लॉस ऑफ मसल फंक्शंस भी इसमें शामिल है। सेंसेशन, हम जो अपनी सेंसेस से फील करते हैं वो भी ख़त्म हो सकता है। और ऑटोनॉमिक फंक्शंस, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से नीचे, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सेंसेशन या ऑटोनॉमिक फंक्शन ये होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल इंसान यूरिन करने की कोशिश करता है, यूरिन को कंट्रोल करना, यूरिन करना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोनॉमिक फंक्शंस में आ जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा, मेरे एक फ्रेंड है उनके साथ यही इशू हुआ था टेम्परेचर की वजह से, उनको तो जो है ना ये क्वाड्रिप्लीजिया हो गया था, तो उसमें उनके साथ ये हुआ था कि उनकी जो दोनों टांगें हैं ये पैरालाइज हो गई थी, और दोनों टांगों के पैरालाइज होने का फिर बाद में वो कंडीशन हो गई थी ज़रा डिफरेंट, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिप्लीजिया में चले गए थे। बहरहाल जब उनकी इनिशियली जब उनकी दोनों लेग्स का इशू हुआ था तो उसमें उनका जो यूरिन सिस्टम था उनको हर वक्त बैग लगा रहता था, उनको नहीं आइडिया था कि उनका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो उनके कंट्रोल में है या नहीं है, उसकी सेंसेशन ख़त्म हो गई थी। तो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, चूँकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी हिस्से में बासानी हो सकती है, और एक कंप्लीट इंजरी भी होती है जिसमें टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है।
और मसल फंक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। और इनकल ये टोटल या कंप्लीट मोटर लॉस है ना, जो जिसमें बंदे की हर तरह की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। अगर इनकम्प्लीट लॉस की बात की जाए, इसमें कुछ जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ ना कुछ ट्रैवल करते हैं, पास करते हैं, वहाँ से कहाँ से ट्रैवल करते हैं नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड के जो डैमेज पोर्शन है वहाँ से कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स पास होने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहलाती है, जिसको पार्शियल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी कहा जाता है। और टोटल या कंप्लीट जो है वो तो यकीनन फिर एक डिफरेंट उसका वो है ना। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हमेशा डिपेंड करती है कि स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी के किस हिस्से में डैमेज हुआ है, और उसकी जो सेवेरिटी ऑफ डैमेज है उस हिस्से के हवाले से तय की जाती है। इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो वेरी करते हैं, और सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं नमनेस से पैरालिसिस तक। नम्बनेस NUMBNES, नमनेस कहते हैं किसी चीज़ का सुन होना, और पैरालिसिस कहते हैं कि सुन ना होना लेकिन ये कि वो हरकत से आ रही हो जाना। तो नमनेस भी होती है, पैरालिसिस भी होता है, और इनकॉन्टिनेंस भी होता है। इनकॉन्टिनेंस में होता है कि फ्रीक्वेंट पेशाब आता है, कंट्रोल ही नहीं होता, पता ही नहीं चल रहा होता, और इसके नतीजे में इनको बैग लगाना पड़ता है। अच्छा, इसके जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ में है कि फुल रिकवरी भी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो प्रॉब्लम, फुल रिकवरी के काबिल भी है, ठीक हो जाता है मुकम्मल, या परमानेंट टेट्राप्लीजिया भी हो सकता है, जिसको क्वाड्रीप्लीजिया भी कहा जा सकता है और पैराप्लीजिया भी कहा जा सकता है, और इसमें दोनों बाजू और दोनों टांगें मुकम्मल पैरालाइज हो जाते हैं। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें क्या क्या शामिल है, मसल्स एट्रॉफी शामिल है, प्रेशर सोर्स कहते हैं पानी वाले दाने, इन्फेक्शंस हैं, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में भी तकलीफ़ है। कई केसेस में जो डैमेज है वो रिज़ल्ट होता है फिज़िकल ट्रॉमा में। फॉर एग्ज़ाम्पल कार एक्सीडेंट है, कार एक्सीडेंट की वजह से फिज़िकल ट्रॉमा होता है, गन के जो ज़ख्म होते हैं फायरिंग की वजह से होते हैं, किसी चीज़ किसी ऊंची जगह से गिरना फॉल्स है, या स्पोर्ट्स इंजरी भी इसमें शामिल है जिनकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। लेकिन ये जो है ये नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज की वजह से भी हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड पे कोई दाना निकल आ सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इनसफिशेंट ब्लड फ्लो कि इंसान के अंदर खून की कमी और स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड ना जाए तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। एंड ट्यूमर्स कहते हैं गोश्त का ऐसा टुकड़ा जो ह्यूमन बॉडी के किसी भी एरिया में हो जाए, और यकीनन ये हमारे इल्म में है कि ट्यूमर दो तरह का होता है, एक होता है कैंसर, दूसरा होता है नॉन कैंसरस। कैंसरस ट्यूमर वो होता है जो होता है और फिर पूरी बॉडी में फैलता जाता है, रिजल्ट डेथ है। और ट्रीटमेंट है इसका, कीमोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, थर्मोथेरेपी है, लेज़र थेरेपी है। और दूसरा होता है नॉन कैंसरस, ऐसा ट्यूमर जो होता तो है लेकिन वो फैलता नहीं है, एक ही जगह पर रहता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में स्पाइनल कॉर्ड पे कोई ट्यूमर हो जाए, चाहे कैंसरस हो या नॉन कैंसरस हो, उससे भी शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। कई ऐसी इंजरीज हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को मुतासर करती हैं। 15% इंजरीज ऐसी हैं जो थोरासिक स्पाइन को मुतासर करती हैं। थोरासिक स्पाइन एंड लंबर स्पाइन के दरमियान जो डिफरेंस है वो 15% है। इसका डायग्नोसिस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो सिम्टम्स पे होता है,
और मेडिकल इमेजिंग सीटी स्कैन और एमआरआई का भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसकी जो एफर्ट्स हैं कि एसआई से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसमें इंडिविजुअली मेजर्स लेने पड़ते हैं, खुद ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे खुद को बचाया जा सकता है। इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट को यूज़ किया जा सकता है, सेफ्टी रेगुलेशंस को मेजर किया जाना चाहिए, खासकर स्पोर्ट्स गेम्स के दौरान सेफ्टी मेजर्स को बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट किया जाना चाहिए ताकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बचा जा सके। और इन जो इक्विपमेंट होते हैं ना, इनको डे बाय डे इम्प्रूव भी करना चाहिए। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है, हमेशा इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने से, और जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने से, कि ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए ना तो उसे कम होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो अदर इंटरवेंशन हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, वो डिपेंड करती हैं इसकी लोकेशन और इंजरी के बढ़ने पे, एक्सटेंट पे। इसमें बेड रेस्ट भी शामिल है और सर्जरी भी करवाई जा सकती है कई केसेस में। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को लॉन्ग टर्म फिजिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है, खासकर उस वक्त जब ये डेली लिविंग स्किल में इंटरफेयर कर रही हो। अमेरिका में 12,000 लोग हर साल सर्वाइव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से। इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं वो यंग एडल्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से ना, और होते भी मेल्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस की जाती है अगर इसका इलाज प्रॉपरली किया जाए, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी में बहुत अच्छे तरीके से देखा गया कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो ट्रीटमेंट वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो पोटेंशियल ट्रीटमेंट जिस पे अभी रिसर्च अभी जारी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, उसमें स्टेम सेल इम्प्लांटेशन शामिल है, इंजीनियर्ड मटेरियल्स फॉर टिश्यू सपोर्ट, इस पे भी काम हो रहा है। एपिड्यूरल स्पाइनल स्टिमुलेशन पे भी रिसर्च चल रही है, और वेरिएबल रोबोटिक एक्सोकल्टेशन, तो इस पे अभी रिसर्च चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक बेहतरीन ट्रीटमेंट डायग्नोज किया जाएगा। और यकीनन इससे बचने का जो वाहिद तरीका, जो सबसे पहले जो मेजर्स है, सेफ्टी मेजर्स है, वो ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन में खुद को डालना ही नहीं चाहिए कि जिससे आपकी जो एसआई या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसकी प्रेवलेंस का कोई खदशा हो। और अगर हो भी जाए तो फिर ऐसा मोमेंट कम से कम करना चाहिए कि जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसी हरकत मूवमेंट करनी ही नहीं चाहिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट ऐसा है कि जिसे ठीक किया जा सकता है। ट्रीटमेंट से इसका जो है ना, जो पॉसिबल है कि जिसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास आज की एक कॉम्प्रिहेंशन डिस्कशन थी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हवाले से। तो इस लेक्चर में हमने लिम्ब डेफिशिएंसीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हवाले से डिस्कस किया है। अगर आप इस हवाले से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, सो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।